नीतीश कुमार जी बुरी तरह घिर गए हैं। वह छवि पूरे तौर पे यह कहिए कि स्वाहा होने की स्थिति है उनकी। कुल मिला जुलाकर जो कुछ भी परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार जी बुरी तरह घिर गए हैं। पहले वाले नीतीश कुमार जी होते तो जिन लोगों ने आवेदन दिया कि सीबीआई या कोई एजेंसी परमिशन लेने के बाद जांच के लिए आए, उस आवेदन को नीतीश जी उसी समय फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिए होते। लेकिन सुना है कि उन्होंने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है। चारों तरफ से भ्रष्टाचार दिख रहा है और उसके बावजूद नीतीश कुमार जी मौन है, चुप है या कुछ मुस्कुराकर प्रश्न को टालकर निकल जा रहे हैं। तो नीतीश जी की छवि रही है और खुद भी कहते रहे कि जीरो टॉलरेंस की बात हम करते हैं भ्रष्टाचार के मामला में। आज का रवैया नीतीश जी का जो है वह जीरो टॉलरेंस की बात नहीं है, पूरे के पूरे तौर पे समझिए कि उससे कंप्रोमाइज कर लेने का मामला है। इससे खुद नीतीश कुमार जी का नुकसान हो रहा है। उनकी छवि जो पहले आज के पहले तक थी वह छवि पूरे तौर पे यह कहिए कि स्वाहा होने की स्थिति है उनकी। केंद्रीय एजेंसी संविधान के हिसाब से गठित एजेंसी है, काम कर रही है, सब जगह काम करती है। अब कोई भी अगर कहता है कि इस पर रोक लगा दीजिए तो कल तो कोई कहेगा कि कहीं कोई बलात्कार कर दे तो पुलिस से परमिशन हो फिर एफआईआर हो, तो इस तरह का नियम लोग बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। राज्य सरकार की बात झूठ नहीं, राज्य की सरकार जानबूझकर ऐसी चीजों से मुंह मोड़ना चाहती, अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरह की बात करती है। जो कुछ भी वहाँ घटना हुई है धीरे धीरे बात सामने आ रही है। ठीक है, जिस रूप में दिखाया गया सोशल मीडिया में उतनी बड़ी घटना न हो, लेकिन एक बिहारी के साथ भी अगर कहीं इस तरह की घटना होती है तो उसकी जवाबदेही राज्य सरकार के ऊपर बनती है कि नहीं बनती है। राज्य की सरकार को गंभीरतापूर्वक इन चीज़ों को लेना चाहिए।